दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तरी पूर्वी दिल्ली में पिछले साल भड़के दंगों में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किए गए पिंजरा तोड़ संस्था के सदस्य नताशा नरवाल और दिवांगना कलिता समेत जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी है। सभी को फरवरी 2020 में दिल्ली में विवादित नागरिकता कानून से जुड़े प्रदर्शनों के बाद भड़की हिंसा में भूमिका के लिए आतंक रोधी कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। आज न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी की बेंच ने तीनों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत के इस आदेश के बाद तीनों युवाओं को गिरफ्तार के लगभग एक साल बाद जेल से रिहाई मिलेगी। बता दें कि दिवांगना पर 4 जबकि नताशा नरवाल पर 3 FIR दर्ज की गई थी। दोनों को बाकी सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। तीनों के खिलाफ UAPA का मामला दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा जांच की जा रही दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश से संबंधित है। पुलिस का दावा है कि दिल्ली दंगों जिसमें 53 लोगों की मौत और 500 लोग जख्मी हुए वो स्वाभाविक न होकर सुनियोजित थे। पिंजरा तोड़ की दोनों सदस्यों और जामिया के छात्र ने इस साल की शुरुआत में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन पर लगे आरोपों को शुरुआती जांच में सही बताया था। दिल्ली की उच्च अदालत ने नताशा और दिवांगना की जमानत याचिका पर फैसला 28 अप्रैल और आसिफ की अपील पर 19 मार्च को सुरक्षित रख लिया था। आसिफ तन्हा को पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया था, तब वो जामिया का फाइनल ईयर का छात्र था, जबकि नताशा और दिवांगना को 23 मई को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास CAA के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन पर राजद्रोह का भी मामला लगा दिया गया। दिल्ली स्थित महिला आधार ग्रुप की सदस्य और JNU की PhD स्कॉलर नताशा नरवाल और दिवांगना पर दिल्ली पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप लगाया था। पुलिस का कहना था कि उन्हें साजिश के बारे में पहले से पता था, इसीलिए दंगों में उनकी बराबर की भागीदारी है। तन्हा की भूमिका पर पुलिस ने कहा कि गवाहों के बयानों ने आसिफ को दंगों के साथ जोड़ा और वो घटनाओं के पीछे पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था। राजधानी दिल्ली में पिछले साल 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच मुख्यतः उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। ये दंगे कथित तौर पर नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच टकराव के हिंसा में बदलने का परिणाम था। पुलिस ने इन दंगों के संबंध में 744 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 697 स्थानीय पुलिस, 57 क्राइम ब्रांच और दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश से संबंधित मामले की जांच स्पेशल सेल के हाथों में दी गई थी। दंगों के लगभग एक साल बाद स्पेशल सेल ने इस साल फरवरी में 17 लोगों को आरोपी पेश करते हुए मामले में तीसरी चार्जशीट दायर की थी। इनमें नरवाल, कलिता, स्थानीय राजनेता ताहिर हुसैन और इशरत जहां, JNU के छात्र शर्जील इमाम और कार्यकर्ता उमर खालिद और खालिद सैफी के अलावा अन्य शामिल थे। JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को इसी साल अप्रैल में दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के मामले में जमानत दी जा चुकी है। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि उमर खालिद को सिर्फ इसलिए कैद में नहीं रखा जा सकता है कि कोई भीड़ में देखा गया हो, उसे सिर्फ इस आधार पर अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने इसके अलावा JNU छात्र शर्जील इमाम पर भी भड़काऊ भाषण देने के लिए राजद्रोह का मामला लगाया था। शर्जील का आरोप था कि उसने 16 जनवरी 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। उसे 28 जनवरी को बिहार के जाशनाबाद के काको जिले से गिरफ्तार किया गया था और वो तब से हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।